नोएडा के गालीबाग पर बुलडोजर एक्शन, अब तक नहीं हो सकी गिरफ्तारी। भाजपा ने अपना नेता बताने से झाड़ा पल्ला, चार करीबियों को हिरासत में लिया गया। नोएडा की ओमैक्स ग्रैंड हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार की सुबह विकास प्राधिकरण ने श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता करने के आरोपी गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। सोमवार की सुबह पुलिस और प्रशासन के साथ बुलडोजर भी सोसाइटी तक पहुँच गया, साथ में हथौड़े लेकर कर्मचारी भी पहुँचे। महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता करने वाला श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार चल रहा है। श्रीकांत त्यागी पार्किंग में बालकनी के कई जगह बाउंड्री कवर करके कॉमन एरिया का पर्सनल इस्तेमाल कर रहा था। सोमवार की सुबह ही बुलडोजर और साथ में हथौड़ा फावड़ा लिए हुए कर्मचारी भी पहुंचे। श्रीकांत त्यागी के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर से आरोपी के अतिक्रमण को तोड़ा गया, साथ ही ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के सामने लगे पेड़ों को भी उखाड़ फेंका गया। नोएडा प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण हटाने का ये काम किया है। ये मामला कल रात फिर से बढ़ गया जब फरार रहे त्यागी से जुड़े हुए कुछ गुंडे सोसाइटी में पहुंच गए। इसके बाद सांसद महेश शर्मा और पुलिस और डीएम मौके पर पहुंच गए। करीब आधा दर्जन हंगामा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस कमिश्नर से लेकर सांसद ने 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन करीब 63 घंटे होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके बाद प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौज और बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी अब तक फरार चल रहा है। वहीं FIR के बाद भी श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में अपने गुंडे भेजकर लोगों को धमका रहा था। हालांकि बुलडोजर एक्शन का लोगों ने तालियां बजाकर जरूर स्वागत किया। भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी का शुक्रवार को कुछ पौधे लगाने को लेकर महिलाओं से विवाद हो गया था। महिलाओं ने भाजपा नेता और पौधे लगाकर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था, तो श्रीकांत ने एक महिला से अभद्रता करते हुए गालियां देकर धमका दिया और ये वीडियो ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला को गाली दे रही हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही हैं और उन पर और उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं। महिला से गाली गलौज कर चरित्र पर सवाल उठाए थे। इससे पहले नोएडा पुलिस ने शनिवार को कहा था कि उसने एक महिला से कथित मारपीट के आरोपी और फरार राजनीतिक के चार करीबी सहयोगियों को हिरासत में लिया है, साथ ही उसके दो वाहनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेता के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोपी श्रीकांत त्यागी से दूरी बनाए रखी, जिन्होंने खुद को पार्टी के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और इसके युवा समिति का राष्ट्रीय समन्वयक बताया था। त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।